वो फिल्मों में सौंदर्य की देवी कही जाती थी। कम समय में ही उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। सारे चराग गुल कर दो, इनकी खूबसूरती की चर्चा इतनी बढ़ी कि एक महाराजा ने इन्हें अपनी रानी बना लिया। देखता है क्या पास मेरे आ, अपना किसी को बना, बाकी सब भूले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें अपनी पहली फिल्म में ही किसिंग सीन देने के कारण बदनामी का शिकार होना पड़ा और वो मिस किस के नाम से चर्चित हो गई। मुझे प्यास ऐसी प्यास लगी है, मेरी प्यास को बुझा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक महारानी होने के बावजूद उन्हें अपने ही परिवार से प्यार के बजाय नफरत मिली, और आप शायद ही यकीन करें कि दो बच्चों की माँ होने के बावजूद उन्होंने खास बच्चों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। काले बाल गोरा रूप जैसे साए में हो धूप, तुझे देख जिया। कौन थी वो अदाकारा और कैसे उन्होंने ईसाई होने के बाद भी धर्म, जाति व समाज की दीवार को तोड़कर एक शादीशुदा हिंदू राजा से शादी कर राजमाता का खिताब हासिल किया, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं आपके साथ श्वेता जया। आपको ये कहानी आगे सुनाऊं उससे पहले आपको एक और बात बताना चाहती हूं। दोस्तों कई ऐसी बुक्स भी समय समय पर लिखी गई हैं जो अनटोल्ड बॉलीवुड स्टोरीज के बारे में बताती हैं। इन्हें आप पढ़ सकते हैं या पढ़ने का वक्त न निकाल पाए तो ऑडियो बुक के जरिए इंटरेस्टिंग वे में सुन भी सकते हैं। मेरी पसंदीदा अदाकारा हैं रेखा जी, उनकी जीवनी मैंने कुकू एफएम ऐप पर सुनी थी, और अगर आपको भी उनके जैसी खूबसूरती चाहिए तो खूबसूरत उमराव जान रेखा ऑडियो बुक को कुकू एफएम ऐप पर सुनिए, जो एक बेहतरीन ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है और आप भी इसे अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। आप इस पर कई और फिल्मी हस्तियों की बायोग्राफी सुन सकते हैं या हिंदी सिनेमा के बारे में और भी रोचक कहानियां सुन सकते हैं। इसके जरिए आप अपने लॉन्ग रीडिंग टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। यहां ऐसी दर्जनों किताबें और ढेरों कंटेंट मौजूद हैं, और बड़ी बात ये कि आप अपने रीजनल लैंग्वेज में भी यहां स्टोरीज सुन सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में इस कुकू एफएम का लिंक दे दिया है जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और दिए गए कूपन कोड के जरिए इस ऐप पर 50% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए DSI50। ये कोड फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए मान्य होगा, तो इसे आज ही डाउनलोड कर डालिए और अपनी फेवरेट एक्टर्स की कहानियां सुनिए। तो चलिए वापस लौटते हैं अपनी कहानी पर। आज हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि सोनिया साहनी है। सेब के दाम तो बता। 12 रुपए दर्जन। बाजार में तो 9 रुपए दर्जन है। अरे हाय बाबा, वो तुम्हारी उम्र के सेब होंगे। साल 1946 में 31 अगस्त की तारीख थी। श्रीनगर के सिख परिवार में एक खूबसूरत बच्ची का जन्म हुआ। परिवार ने प्यार से नाम रखा उषा, जो आगे चलकर एक बेहतरीन अदाकारा बनी। उनके पिता लाहौर के रहने वाले थे और माँ पेशावर की रहने वाली थी, लेकिन माता पिता ने ईसाई धर्म अपना लिया। 6 बहनें और 2 भाइयों में वो सबसे छोटी थी। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में पैदा हुई उषा खुले विचारों की थी। जितनी ही खूबसूरत वो थी उतना ही सरल उनका स्वभाव था। ये जलते होंठ और ये नींद में डूबी हुई आंखें। उषा की पढ़ाई श्रीनगर के गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में हुई थी। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का बड़ा शौक था। वो उस समय की तमाम अभिनेत्रियों की नकल करती रहती थी। स्कूल में जब भी कोई ड्रामा होता तो वो उसमें आगे बढ़कर हिस्सा लेती थी। श्रीनगर में एक बहुत बड़ा ड्रामा ग्रुप था जिसमें उन्होंने दाखिला लिया और बड़ी ही लगन से एक्टिंग सीखने लगी। एक दफा वहां मशहूर डायरेक्टर IS जौहर पहुंचे। उन्होंने उषा को एक्टिंग करते देखा। उषा की एक्टिंग से वो बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने मुंबई आने को कहा। भगवान मेहरबान हो गए थे, किस्मत ने कुछ अलग रुख अख्तियार कर लिया था। सपने अब पूरे होने को थे। उसने देखो जाग उठा है, तुम कहीं ना सो जाना। उषा 1965 में माया नगरी मुंबई पहुंची।
यहाँ आते ही इंडस्ट्री मुकद्दर का सिकंदर बनाने को बैठी थी। मुंबई आते ही आईएस जौहर ने उनके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। लेकिन एक दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कत थी उषा का नाम। जौहर साहब ने कहा, तुम्हें नाम बदलना होगा क्योंकि तुम्हारा नाम फिल्म इंडस्ट्री के साथ मैच नहीं करता। मैं तुमको एक नया नाम देता हूँ, इसी नाम से दुनिया तुम्हें जानेगी। और वहीं से उषा बन गई सोनिया साहनी। प्यार की गाड़ी चलती रहे अपनी, प्यार की गाड़ी चलती रहे। सोनिया साहनी की पहली फिल्म जौहर महमूद इन गोवा थी, जो 1965 में बनी थी, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। लेकिन कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, वही कुछ हुआ इस अभिनेत्री के साथ भी। फिल्म हिट होने के बावजूद इन्हें लोगों से काफी नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिलने लगी। दरअसल फिल्म जौहर महमूद इन गोवा में सोनिया साहनी ने आईएस जौहर के साथ किसिंग सीन किया था, जिस पर सेंसर बोर्ड ने भी काफी आपत्तियां उठाई थी। अभिनेत्री की जितनी चर्चा नायिका के तौर पर नहीं हो पाई, उससे कहीं अधिक चर्चा उनके उस किस सीन की हुई थी। लोग उन्हें मिस किस के नाम से पुकारने लगे। जिन दिनों दूसरी बॉलीवुड अभिनेत्रियां किसिंग सीन करने से बचती थीं, वहीं सोनिया ने किसिंग सीन खुलकर किया था। इसके बाद कुछ फिल्म प्रोड्यूसर्स ने उन्हें इस तरह के सीन के लिए ही ऑफर देना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि सोनिया साहनी को किसिंग और दूसरे तरह के ऐसे इंटीमेट सीन करने में कोई परेशानी नहीं है। इसको लेकर उन्होंने विस्तार से अपने एक इंटरव्यू में भी बताया था। उन्होंने कहा था, मैंने किसिंग सीन अगर दिया भी है तो उसकी कहानी में एडवांटेज को समझकर, ये मेरा काम है। इसके बाद मैंने कोई भी इस तरह की फिल्म साइन नहीं की है जिसमें हीरोइन की जगह उसे मिस किस बनाकर पेश किया जाए। इसके बाद इन्होंने लगातार आईएस जौहर के साथ कई फिल्मों में काम किया। जौहर महमूद इन गोवा के बाद जौहर इन कश्मीर, मेरा नाम जौहर, जौहर इन बॉम्बे, जौहर महमूद इन हांगकांग जैसी तमाम फिल्मों में वो हीरोइन रही। इसके अलावा भी अकलमंद, बंदिश, रात के अंधेरे में, सस्ता खून महंगा प्यार आदि फिल्मों में वो मुख्य भूमिकाओं में नजर आई। सोनिया साहनी ने करियर की शुरुआत में ही कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया, जिसमें किशोर कुमार, संजीव कुमार, प्राण समेत कई बड़े अभिनेता शामिल हैं। इन कलाकारों के साथ इनके काम को खूब सराहा गया। 1970 के दशक में इन्होंने कैरेक्टर आर्टिस्ट की तरफ रुख किया। उनका कहना था कि कैरेक्टर रोल करने से अभिनय की सच्ची प्रतिभा निखरती है। मैं तो जिंदगी के बदले तेरा प्यार मांगता हूँ। सोनिया साहनी ने अपने कैरेक्टर रोल में एक अहम मुकाम हासिल किया। 1973 में आई ऋषि कपूर की डेब्यू फिल्म बॉबी से, जिसमें उन्होंने ऋषि कपूर की मां का किरदार निभाया था। फिल्म सुपरहिट तो रही, साथ ही इनके रोल को भी लोगों ने खूब पसंद किया। इन्होंने 1970 से 1999 तक कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। मालिक, बुढ़ा मिल गया, धर्मकर्म, चाचा भतीजा और जंगल में मंगल जैसी तमाम फिल्मों में अपने अभिनय के दम पर इन्होंने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। सच पूछिए मिसेज नाथ, आप 6 बरस के बच्चे की माँ नहीं लगती, आप तो खुद ही स्वीट 16 है। You're looking absolutely like a beauty queen. सोनिया साहनी की कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर बेशक चोरनी, लड़के बाप से बढ़कर, श्रद्धांजलि, शंकर दादा, काफिला तमाम ऐसी फिल्में हैं जिसमें उनकी एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया। हमारी रियासत खत्म हो गई है, लेकिन नजर अभी तक खत्म नहीं हुई। हम आदमी और नोट को देखते ही परख लेते हैं। सोनिया साहनी, हेमा मालिनी, परवीन बाबी, जीनत अमान, रेखा जैसी दिग्गज कलाकारों की कई फिल्मों में सेकंड लीड रोल निभाती नजर आईं। सपना, तुम यहाँ? तुम्ही ने तो बुलाया था। मैंने? हाँ, अरे हाँ, बुलाया तो था,
लेकिन तुम यहाँ आओगी इसकी उम्मीद नहीं थी। सोनिया साहनी अपने करियर को शिखर की ऊंचाई तक पहुँचाने में जुटी थी, लेकिन तभी उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। इस अभिनेत्री को शिव पलिताना नाम के एक शख्स से प्यार हो गया, मतलब वो उन्हें एक ही मुलाकात में अपना दिल दे बैठी। कहते हैं ना कि इश्क ही क्या जो सोच समझ कर किया जाए, ये तो बस नजरों का खेल है। सोनिया साहनी भी इसी नजर से मजबूर हो गयी। प्यार में वो इतना खो गई कि उन्हें ये भी खबर नहीं रही कि जिनसे वो शादी करने की सोच रही हैं, वो पहले से ही शादीशुदा हैं और उनका एक बच्चा भी है। लेकिन सोनिया पर प्यार का बुखार इस कदर चढ़ा कि शादी से पहले ही वो दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे, जो सोनिया के जीवन के सबसे यादगार पल थे। 1976 में उन दोनों ने शादी कर ली। हालांकि शादी के बाद भी सोनिया फिल्मों में काम करती रही। सोनिया साहनी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शिव चाहते थे कि मैं शादी के बाद भी फिल्मों में एक्टिव रहूं, अपने पारिवारिक जीवन के साथ साथ अपने सपने को भी पूरा करूं। शादी के बाद भी सोनिया साहनी ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। ये आप आज कह रही हैं, कल दुनिया के साथ आप भी इस पर इल्जाम धरेंगी, कौन देगा इसे अपना नाम। बता दें कि शिव पलिताना का फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं था, वो एक रॉयल परिवार से थे। वो पलिताना रियासत के राजकुमार थे। उनका पूरा नाम शिवेंद्र सिंह गोहिल था। उनके रियासत के लोग उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। ब्रिटिश राज के दौरान पलिताना भारत की एक रियासत थी। ये सौराष्ट्र के प्रमुख राज्यों में से एक था, जिसे सोरत या काठियावाड़ के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ी बात ये कि इन रियासत के शासकों ने 9 तोपों की सलामी का आनंद लिया है, जो कि अद्भुत है। सोनिया साहनी ने शादी के बाद ईसाई धर्म त्याग कर हिंदू धर्म अपना लिया और अपने पति शिव पलिताना के साथ बेहद खुश थीं। वो राज परिवार के धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा आदि में हिस्सा लेती थीं। शादी के कुछ दिनों के बाद उनके जीवन में एक खूबसूरत बदलाव आया। सोनिया माँ बनी, जिसके बाद पलिताना रियासत के लोगों ने उन्हें राजमाता की उपाधि दे दी। कहा जाता है कि रॉयल परिवार में रानियां जब उनके वंश को यानी कि भविष्य के राजा को जन्म देती हैं, तो उन्हें राजमाता यानी कि राजा की माँ की संज्ञा दी जाती है। बच्चे के जन्म के बाद सोनिया साहनी ने फैसला किया कि वो अब फिल्मों में काम नहीं करेंगी और वो इंडस्ट्री को अलविदा कर देंगी। उनके दो बच्चे हुए, केतन और किरण। इसी तरह समय बीतता रहा। सोनिया अपने पति और बच्चों के साथ खुश थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी जिंदगी में खुशियों का ये सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चला। उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 7 जन्मों का रिश्ता टूट गया। उनके पति बीच राह में ही उनका साथ छोड़कर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। मैंने तो सोचा था हम जिंदगी भर एक साथ कदम मिलाकर चलेंगे। साल 1990 में शिव पलिताना का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। पति की मौत के बाद सोनिया गहरे सदमे में चली गईं। कुछ दिनों तक उन्होंने संसार से मानो रिश्ता ही तोड़ लिया था। काफी समय तक उन्होंने खुद को घर में ही बंद कर लिया। वो अकेली पड़ गईं, तन्हा नजर आने लगीं। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि उन्होंने अपना प्यार हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। कहते हैं समय में बड़ी ताकत होती है। गुजरते वक्त के साथ सोनिया साहनी ने जीना सीख लिया। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, उनका जाना मेरे लिए किसी श्राप से कम नहीं था। पति शिव पलिताना के निधन के बाद सोनिया के ससुराल वाले उनसे नफरत करने लगे थे। ये पल यकीनन उनके लिए बहुत मुश्किल भरा था, लेकिन रियासत की जनता ने उनका साथ दिया और वो वहाँ काफी लोकप्रिय हो गई। दरअसल सोनिया ने अपनी तरफ से अपने गमों से निकलने के लिए तमाम कोशिशें की, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी हुई। अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए और खुद को हिम्मत देने के लिए वो कुछ खास बच्चों के स्कूल में जाकर समय बिताने लगी। अभिनेत्री इन बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उन्हें इन बच्चों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। इस मुश्किल दौर में सोनिया साहनी ने टीवी इंडस्ट्री की तरफ रुख किया और जन्नत, कुसुम, प्यार दोस्ती जैसे कई बड़े बड़े धारावाहिकों में काम किया। साल 2015 में आखिरी बार वो टीवी सीरियल संतोषी माँ में दादी की भूमिका में नजर आई थी। 70 से भी अधिक फिल्मों और धारावाहिकों में उन्होंने काम किया।
सोनिया साहनी अपने गमों को भूलकर दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश करती हैं। आजकल वो दुबई में हैं और अपने बच्चों के साथ बेहद खुश हैं। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि उनकी रियासत पलिताना के लोग उन्हें बहुत इज्जत देते हैं और राजमाता सोनिया देवी कहकर पुकारते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।